हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर सर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमी एट जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड आज जो हम लॉ डिस्कस करेंगे वो है इनवर्स ईल्ड नाइट्रोजन लॉ ये क्या लॉ है किसने ये दिया इसकी क्या रेलिवेंस है और इस लॉ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको आज हम सीखेंगे और जानेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करने की आज कोशिश करूँगा कि ये ओरिजिनल में लॉ क्या था और आज के प्रेजेंट एरा में हम इस लॉ को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो देखिए ये जो आ, इन्वर्स ईल्ड नाइट्रोजन लॉ था ये विलकॉक्स ने दिया था ये वही विलकॉक्स जिसकी स्टडी हमने पहले लेक्चर में की है नाइट्रोजन कॉन्सटेंट थ्री वन एट जिन्होंने दिया था विलकॉक्स ने ही एग्रोबायोलॉजी एक साइंस डेवलप की थी और उसी साइंस में उन्होंने तीन लॉ दिए थे मिस्टर लिच का उन्होंने कंसिडर किया था नाइट्रोजन कॉन्सटेंट थ्री वन एट पौंड पर एकड़ जो क्रॉप एब्जॉर्व करती हैं मैक्सिमम और थर्ड जो था इन्वर्स इल्ड नाइट्रोजन लॉ तो ये विलकॉक्स का जो वर्क था 1928 का था तो उसमें इस लॉ में उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्लांट की जो यील्डिंग एबिलिटी है या जो उसकी पावर है ग्रोथ करने की जो ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी है इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद द नाइट्रोजन कंटेंट इन ड्राई मैटर सब्सटेंस ये इन्वर्सली रिलेटेड है इनवर्स मतलब उल्टा होना कि जो ग्रोथ है उसकी या जो ईल्ड है किसी भी क्रॉप प्लांट की वो जिसमें अगर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसकी ईल्डिंग एबिलिटी कम होगी उसका प्रोडक्शन कम होगा और जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा उनकी इल्डिंग एबिलिटी या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये इन्वर्स ईल्ड नाइट्रोजन लॉ है मतलब ईल्ड और नाइट्रोजन कंटेंट इन्वर्सली रिलेटेड है अगर ईल्ड Uh, अगर नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है तो ईल्ड बढ़ेगी अगर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है तो ईल्ड कम होगी तो इस लॉ को मैं लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं अभी आपको इस लॉ को यहाँ समझने की ज़रूरत है तो उनका ये मानना था उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने कहा अगर ईल्डिंग एबिलिटी वाई है तो ये पावर या ग्रोथ है इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद द नाइट्रोजन कंटेंट नाइट्रोजन कंटेंट परसेंटेज इन ड्राई मैटर ये उन्होंने कहा कि इनवर्सली रिलेटेड है ये डायरेक्टली नहीं है अगर नाइट्रोजन कंटेंट किसी क्रॉप में बढ़ गया तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन कम होगा और नाइट्रोजन कंटेंट अगर कम होता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इसको उन्होंने बराबर इक्वल करने के लिए लिखा इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू के अपॉन एन अब ये एन जो है इसको मान लिया है नाइट्रोजन परसेंटेज इन ड्राई मैटर तो इस अगर रिलेशन को देखें तो k इज इक्वल टू क्या आता है k इज इक्वल टू वाई इंटू एन अब देखिए वाई इंटू एन क्या है y क्या है ड्राई मैटर ईल्ड क्योंकि ये ईल्ड नहीं है ये ड्राई मैटर ईल्ड है देखिए इल्ड और ड्राई मैटर ईल्ड में अंतर समझिए जो हम ईल्ड लेते हैं उसमें कुछ मॉइस्चर भी रहता है उस मॉइस्चर को हटा करके जो ईल्ड ली गई है टोटल अबव ग्राउंड बायोमास है ये जो ईल्ड की बात की जा रही है ड्राई मेटर ईल्ड ग्रेन ईल्ड नहीं है या कोई ट्यूबर ईल्ड नहीं है ये पूरा जो अब ग्राउंड बायोमास प्रोड्यूस किया है क्रॉप ने उसमें स्टेम है लीव्स हैं ग्रेन्स हैं सब कुछ है उसमें तो वो ड्राई मेटर ईल्ड मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा एन कंटेंट एन परसेंटेज तो देखिए ये जो बनता है हम जब किसी भी ड्राई मैटर में जो नाइट्रोजन परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा नाइट्रोजन अपटेक तो नाइट्रोजन अपटेक निकालना है या किसी भी न्यूट्रेंट का अपटेक निकालना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं ये देखते हैं कि उसमें कितना ड्राई मैटर बना है और उस ड्राई मैटर में कितना परसेंट वो न्यूट्रेंट है उस परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट जो न्यूट्रेंट कंटेंट है या जो न्यूट्रेंट अपटेक हुआ है वो हमें पता चल जाता है तो यहाँ पर ड्राई मैटर का किससे मल्टीप्लीकेशन हुआ है नाइट्रोजन परसेंटेज से तो इसका मतलब ये क्या बन गया नाइट्रोजन अपटेक तो इसका मतलब ये जो कॉन्सटेंट है वो क्या है नाइट्रोजन अपटेक है इससे पहले इसी के साथ इन्होंने विलकॉक्स ने यह बताया था कि जो नाइट्रोजन कांस्टेंट है दैट इज़ एन थ्री वन एट जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं जिन स्टूडेंट्स ने यह नाइट्रोजन कांस्टेंट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देखें प्ले लिस्ट में जा के लॉ एंड प्रिंसिपल्स इन एग्रीकल्चर एक ग्रुप है उस ग्रुप में सारे लॉ मैंने दे रखे हैं आप उससे पढ़ें तभी आपको ये समझ में आएगा तो इसी की कंटिन्यूटियाँ बनेगा तो जो नाइट्रोजन कॉन्सटेंट है इन्होंने कहा था कि अगर सारे ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल हैं नॉर्मल कंडीशन है ग्रोथ फैक्टर्स एडिक्ड अमाउंट में है तो कोई क्रॉप मैक्सिमम 300 हंड्रेड पाउंड नाइट्रोजन पर एकड़ का एब्जॉर्बेशन कर सकती है तो ये 318 हंड्रेड पाउंड पर एकड़ तो ये जो अमाउंट थी ये उन्होंने मिस्टर लिच की इक्वेचन से डेवलप की थी जिसमें उन्होंने मिशर लिचना नाइट्रोजन कॉन्सटेंट जीरो माना था और चूंकि ये कॉन्सटेंट सिंगल ग्रोथ कंडीशन के लिए था उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन जो कंसिडरेशन्स होते हैं वो नहीं लिए गए थे तो ये वैल्यू क्या होती है चेंज हो जाती है अलग अलग इकोलॉजी में उस कारण से ये भी चेंज हो जाता है लेकिन अगर मिस्टर लिच के हम वर्क को लेके चलें तो विलकॉक्स ने इस चीज को डेवलप किया था मैथमेटिकली और ग्राफ से एक्सपेरिमेंट से कि मैक्सिमम 318 पाउंड नाइट्रोजन पर एकड़ का एब्जॉर्बन होता है तो विलकॉक्स ने कहा कि अगर क्रॉप की पर अल्टीमेट ईल्ड है अगर क्रॉप पर अल्टीमेट ईल्ड प्रोड्यूस कर रही है पर अल्टीमेट ईल्ड वो ईल्ड होती है जब सारे ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल हैं कोई प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं है तो जो क्रॉप का मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल है वो जो ईल्ड है मैक्सिमम ईल्ड है इससे ऊपर कोई ईल्ड नहीं हो सकती इस इस इल्ड को ऑप्टेंट करने में कोई स्ट्रेस नहीं है सारे फैक्टर्स एडुकुट अमाउंट में अवेलेबल हैं और ये क्रॉप का जेनेटिक पोटेंशियल है अगर क्रॉप पर अल्टीमेट ईल्ड कर रही है उसका मतलब मैक्सिमम ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रही है तो उस सिचुएशन में नाइट्रोजन का अपटेक भी क्या होगा मैक्सिमम होगा तो यही कंसिडर करके उन्होंने नाइट्रोजन का ये कांस्टेंट निकाला था कि क्रॉप जो है 100 परसेंट इल्ड प्रोड्यूस कर रही है उस लेक्चर को आपको देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो स्लोप लिया था जीरो से 100 परसेंट पे लिया था 100 परसेंट पे इसलिए लिया था कि देख सकें कि कितनी मैक्सिमम ईल्ड हो रही है तब कितना मैक्सिमम नाइट्रोजन अपटेक होगा तो क्रॉप जब पर अल्टीमेट इल्ड प्रोड्यूस कर रही है तो मैक्सिमम नाइट्रोजन अपटेक कितना होगा उस केस में जो नाइट्रोजन अपटेक होगा 318 पाउंड पर एकड़ होगा तो इसका मतलब कि ये जो के की वैल्यू है वो क्या होगी जो नाइट्रोजन अपटेक हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है जब क्रॉप पर अल्टीमेट इल्ड प्रोड्यूस कर रही है तो के की वैल्यू हो गई थ्री पाउंड पर एकड़ तो यहां जो है कॉन्स्टेंट क्या हो गया 318 हो गया इसका मतलब y इज इक्वल टू थ्री वन एट अपॉन एन तो ये इक्वेशन उन्होंने डेवलप की लेकिन इस इक्वेशंस के कंसीडरेशन आपको जानने पड़ेंगे इसलिए आप मिस्टर लिच लॉ को जरूर देखिए जो नाइट्रोजन कांस्टेंट वाला लेक्चर है उसको जरूर देखिए तभी आपको ये इक्वेशन समझ में आएगी तो इसका मतलब कि देखिए उनका लॉ समझिए कि एल्ड जो हो रही है जो प्रोडक्टिविटी है किसी क्रॉप की उसमें कितना नाइट्रोजन कंटेंट है उससे यूनिवर्सली रिलेटेड है मतलब उल्टा है बिल्कुल नाइट्रोन कंटेंट अगर कम होता जाएगा इल्ड बढ़ती जाएगी नाइट्रोन कंटेंट बढ़ेगा तो इल्डिंग पावर है जो प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी तो ये उन्होंने निकाला वाई इज इकल टू के अपॉन एन या थ्री हंड्रेड एट्टीन अपऑन एन तो इस फार्मूले को किसी कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन लॉ वट इज दी करेक्ट इक्वेशन तो चार इक्वेशन दे दी जाएंगी और उसमें से आपको सही इक्वेशन बतानी होगी तो इसको आप जरूर नोट करें कि कैसे ये डेवलप हुआ अब लेकिन देखिए ये जो विलकॉक्स ने एक्सपेरिमेंट किया वो देखिए 318 को इन्होंने यहाँ रख दिया वो मिस्टरलिच इफेक्ट फैक्टर से रिलेटेड था लेकिन जो इनका ये लॉ था ये लॉ काफ़ी कुछ सही था लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए या जब हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम जीरो के जी नाइट्रोजन डालें तो ईल्ड कुछ मिलती है जैसे जैसे नाइट्रोजन की डोज हम बढ़ाते हैं ईल्ड बढ़ती जाती है और क्रॉप में भी नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता जाता है तो उस केस में ये लॉ फेल हो जाता है तो लेकिन वो कंसिडरेशन अलग है ये कंसिडरेशन अलग है इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि ये लॉ क्यों फ़ेल हो रहा है या हम उसको सही जगह अप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन जब हम क्रॉप्स को देखें अभी मैं उसको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा तो ये लॉ बिल्कुल फ़िट बैठता है कि जिन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है जिनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है और जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है उनमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है तो ये नाइट्रोजन कंटेंट जो है एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट है ड्राई मैटर का अब देखिए ड्राई मैटर में शूट भी है ग्रेन भी है तो ग्रेन में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है और शूट में नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है तो ये टोटल जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसका एवरेज है शूट का और ग्रेन का तो अबव ग्राउंड ड्राई मैटर जो बना है उसका एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट है इस बात को ध्यान रखिएगा ग्रेन का या केवल लीफ या स्टेम का नहीं है टोटल ड्राई मैटर अबव ग्राउंड का है तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम यहाँ नाइट्रोजन अप्लाई करें के पर हेक्टर और यहाँ ईल्ड देखें किसी भी क्रॉप की देख लेते हैं एक जनरल बना लेते हैं कुंटल पर हेक्टर और नाइट्रोजन कंटेंट हम देखें नाइट्रोजन परसेंटेज इन ड्राई मैटर तो अगर देखिए नाइट्रोजन जीरो है तो कुछ ईल्ड मिलती है क्योंकि सॉयल में है मान लीजिए थर्टी क्विंटल मिलती है तो ये जो नाइट्रोजन कंटेंट है मान लीजिए यहाँ आ रहा है ज़ीरो पॉइंट एट परसेंट इसके बाद जो है फिफ्टी के जी नाइट्रोजन डालें तो ये ईल्ड बढ़ कर के पहुँच जाती है मान लीजिए फिफ्टी क्विंटल पर हेक्टर अब नाइट्रोजन कंटेंट हो जाता है वन पॉइंट टू परसेंट उसके बाद फर्दर हम नाइट्रोजन डोज डालें तो ये ईल्ड बढ़ करके हो जाती है करीब सिक्सटी टू कुंटल पर हेक्टर तो ये हो जाता है वन पॉइंट फोर uh, परसेंट तो ये ऐसे रिजल्ट्स फील्ड में आते हैं और एक्सपेरिमेंट करके रिसर्चर्स ने देखे तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखिए ईल्ड कम है नाइट्रोजन कंटेंट भी कम है और यहाँ ईल्ड ज़्यादा है नाइट्रोजन कंटेंट भी ज़्यादा है तो जैसे जैसे ईल्ड बढ़ रही है नाइट्रोजन देने से प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है तो ये जो लॉ है फॉलो नहीं होता है तो अगर हम इस रिसर्च को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉ फॉलो नहीं होता है लेकिन जो विलकॉक्स ने कहा था कि ये पर अल्टीमेट ईल्ड है यहाँ अभी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी चल रही है विलकॉक्स ने यह कंसिड्रेशन लिया था कि प्लांट जो है नॉर्मल कंडीशन में ग्रो किए जा रहे हैं और जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में हैं तो यहाँ देखिए इन कंडीशन में जब जीरो है ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है यहाँ रिस्पांस बढ़ रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन इस केस में भी क्या है डिफिशियंट है एडिक्वेट नहीं है तो जब प्लांट्स नॉर्मल कंडीशन में ग्रो हो रहे हों और एडिक्वेट अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर हों तब उस केस में जेनेटिक पोटेंशियल से उसकी इल्ड डिसाइड होगी अब उससे ज़्यादा इल्ड नहीं हो सकती पर अल्टीमेट इल्ड जब पहुँच गई उससे ज़्यादा इल्ड नहीं होगी उस केस में अगर हम कोशिश करें कि ईल्ड बढ़े तो नाइट्रोइ कंटेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये जो लॉ है उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता कि जब ऑलरेडी प्लांट क्या है डिफिशियंट है और हम नाइट्रोजन को उसमें देख रहे हैं या देखिए प्लांट क्या है डिफिशियंट है एक हमने ग्राफ पहले भी डिस्कस किया था क्रिटिकल न्यूट्रेंट कंटेंट में हिडन हंगर में जो हमने बात की थी या लग्जरी कंजुम्पन में वो लेक्चर भी आप देखिएगा तो उसमें देखिए ग्राफ कैसे जाता है यहाँ नाइट्रोजन है नाइट्रोजन या न्यूट्रेंट है और ये ईल्ड है या ग्रोथ है तो ये देखिए ग्राफ ऐसे चलता है ऐसे चला करके ऐसे आता है तो ये डेफिशियट जोन है ये जो है लग् एडूकुएट जोन है या लग्जरी है और ये टॉक्सिसिटी वाला जोन है यहाँ टॉक्सिसिटी आ जाती है न्यूट्रिएंट की यहाँ एडुकुएट सफिशियंट रहता है यहीं पे क्या होता है लग्जरी होती है और ये कौन सा है डेफिशेंट जोन है तो ये हमने डिस्कस किया था ये क्रिटिकल लेवल है डेफिशेंसी के लिए ये क्रिटिकल लेवल है टॉक्सिसिटी के लिए तो देखिए जैसे जैसे नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है देखिए नाइट्रोजन कंटेंट यहाँ से हम यहाँ जाते हैं बढ़ाते हैं नाइट्रोजन कंटेंट को यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से इल्ड ये बढ़ गई इसी तरह से यहाँ पे जब नाइट्रोजन कंटेंट जाते हैं तो इल्ड यहाँ पे आ गई तो जैसे जैसे नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है इल्ड बढ़ रही है तो ये देखिए ये उस कंडीशन में हो रहा है जब प्लांट्स को प्लांट्स डेफिशेंसी कंडीशन में थे उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं थी यहाँ हम कहेंगे प्लांट अभी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है डिफिशेंसी है तो एक बार जब किसी क्रॉप का जेनेटिक पोटेंशियल डिसाइड हो जाए मान लीजिए मेज का डिसाइड हो जाए वीट का हो जाए राइस का हो जाए और उसके बाद अगर प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाने की कोशिश करें तो उसमें जो एक नाइट्रोजन कंटेंट मेंटेन हो गया है मान लीजिए उसका नाइट्रोजन कंटेंट 1.4 परसेंट हो गया है फिक्स हो गया है सफिशियंट कंडीशन में और हम किसी तरीके से जेनेटिक पोटेंशियल से किसी तरीके से हम उसकी लीड बढ़ाएँ तो फिर जो उसका मेंटेन था वो नाइट्रोजन कंटेंट कम होने लगेगा तो ये जो देखिए ये स्थिति आपको बहुत क्लियर हो गई होगी कि कब ये फॉलो होगा जब पर अल्टीमेट यील्ड है जेनेटिक पोटेंशियल से उस क्रॉप का डिसाइड हो चुका है कि वो कितनी यील्ड दे सकता है उसके अंदर मैक्सिमम कितना नाइट्रोजन कंटेंट आ सकता है उसके बाद हम एफर्ट्स करें ब्रीडिंग से एफर्ट्स करें या जेनेटिक को कुछ मैनुप्लेशन करें यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करें या उसका जो नेचुरल जो लिमिट है उसको बढ़ाने की कोशिश करें तो उसके अंदर जो मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट आता था वो कम होने लगेगा उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन जो है केवल प्रोटीन को नहीं बढ़ाता है नाइट्रोजन देखिए प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है सेल डिवीजन को बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है लिग्निन को बढ़ाता है जो इसके अमीनो एसिड्स हैं टायरोसिन है, है फिनइन एलानिनिन है ये इसके प्रिकर्सर हैं लिग्निन के तो नाइट्रोजन देने से न केवल प्रोटीन बढ़ती है बल्कि कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन भी बढ़ता है जब कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन बढ़ता है प्रपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ जाता है तो ड्राई मैटर ज़्यादा हो जाएगा तो जब ड्राई मैटर ज़्यादा हो जाएगा तो जब नाइट्रोजन का हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसको मैंने डायलूशन इफेक्ट में भी आपको बताया था कि किस तरह से नाइट्रोजन कंटेंट विद द एज कम होता जाता है क्योंकि ड्राई मैटर कंटेंट बढ़ रहा है तो जब एक प्लांट अपना फुल सेचुरेशन पर है नाइट्रोजन के और उसमें देखिए जो प्रोटीन बनती है वो जेनेटिकली फिक्स्ड होती हैं उसको जीरो टाइप ही डिसाइड करते हैं कितना प्रोटीन बनेगी किस क्रॉप में कितनी बनेगी वो इसलिए सीरियल में प्रोटीन जो है एज कम्पेयर टू पल्सेस कम रहती है पल्सेस में ज़्यादा प्रोटीन रहती है जीन के इफ़ेक्ट हैं ये तो जब नाइट्रोजन देंगे और नाइट्रोजन सफिशेंट है तो अब नाइट्रोजन क्या करेगी सेल uh, डिवीजन में इन्वॉल्व हो जाएगी सेल डिवीजन को बढ़ाएगी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन होगा सलरोज बनेगा लेग्निन बनेगा ड्राई मैटर ज़्यादा बनेगा अब जैसी ड्राई मैटर ज़्यादा बनेगा हम उसके परसेंटेज निकालेंगे नाइट्रोजन की परसेंटेज टर्म में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ये डाइल्यूशन इफेक्ट है एक्चुअल में कि नॉन uh, जो नाइट्रोजन सब्सटेंसेज ज़्यादा बनते हैं ड्राई मैटर ज़्यादा बनता है उससे नाइट्रोजन परसेंटेज uh, कम होती जाती है तो ये प्लांट एज के साथ भी होता है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्रॉप में अब देखिए उसको मैं एक और आपको एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि हम तीन एग्ज़ाम्पल लें पल्स सीरियल लें और शुगर क्रॉप का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ये एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या हम जब ईल्ड बढ़ाते हैं किसी क्रॉप की ब्रीडिंग से तो क्या इसके इम्प्लीकेशनस हो सकते हैं इसको देखिए कि एक हम पल्स ले लेते हैं सोयाबीन लिया आ, और एक हमने सीरियल लिया व्हीट लिया और एक आ, शुगर क्रॉप ली शुगर केन लिया तो देखिए इसका अगर हम एवरेज यल्ड लें तो ये करीब जाएगी ट्वेंटी कुंटल पर हेक्टर तक एवरेज करीब व्हीट का जाएगा 40 कुंटल पर हेक्टर और शुगर केन का तो बहुत जाता है 800 मान लेते हैं 800 हंड्रेड कुंटल पर हेक्टर तो तीन अलग अलग नेचर की क्रॉप है एक पल्स है एक सीरियल है एक शुगर क्रॉप है अब इन तीनों में ही देखिए क्या है इनका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो तीनों का अलग अलग है तो सोयाबीन का हम कुछ भी कर लें कभी भी बहुत मुश्किल है कि फोर्टी कुंटल पर हेक्टर पहुँचे व्हीट में कुछ भी कर लें बहुत मुश्किल है कि वो एट हंड्रेड कुंटल पर हेक्टर पहुँचे ये इम्पॉसिबल है तो ये जो डिसाइड हो रही है ये इनके जेनेटिक पोटेंशियल से डिसाइड हो रही है इल्ड लेवल इनके अब अगर हम इनमें नाइट्रोजन कंटेंट देखें तो जेनेटिकली जो इनमें है जो नेचुरल है वो देखिए टू पॉइंट फाइव परसेंट है अप्रोक्सीमेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है वीट में करीब वन परसेंट या वन पॉइंट टू परसेंट के आसपास आएगा ऑन एन एवरेज और शुगर केन का करीब जीरो पॉइंट थ्री परसेंट रहता है तो ये देखिए कि नाइट्रोजन परसेंटेज ज़्यादा है ईल्ड कम है नाइट्रोजन परसेंटेज जैसे ही कम हुई ईल्ड बढ़ी फिर फर्दर नाइट्रोजन परसेंटेज कम हुई ईल्ड फिर बढ़ी तो ये क्रॉप में देखा गया है ये बिल्कुल नेचुरल है कि जिस क्रॉप का प्रोडक्टिविटी लेवल कम होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है और जिसका प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम है तो इसका अगर आप ग्राफ देखें ड्राई मैटर वर्सेस नाइट्रोजन कंटेंट तो यहाँ लेते हैं नाइट्रोजन परसेंटेज ये यहाँ से देखिए थ्री लिया है इसको इसको ध्यान रखिएगा थ्री लिया है इसको टू लिया है ये वन है ये जीरो है और यहाँ अगर ईल्ड ली जा रही है तो ये जो ग्राफ है इस तरह से मूव करेगा इस तरह से चलेगा ग्राफ ये तो यहाँ देखिए 2.5 परसेंट के आसपास यहाँ क्या है सोयाबीन है ये ये सोयाबीन है और ये टू पॉइंट फाइव यहाँ आएगा सॉरी यहाँ आएगा सोयाबीन यहाँ नहीं आएगा यह, यहाँ पे जो है सोयाबीन है और वन पॉइंट फाइव या वन पॉइंट टू परसेंट के आसपास यहाँ पे व्हीट है और देखिए जीरो पॉइंट थ्री के आसपास यहाँ पे क्या है शुगर केन है तो ये ग्राफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन परसेंटेज इधर देखिए कम हो रही है इस ग्राफ को देखिएगा जनरली हम जीरो इधर लेते हैं यहाँ इस ग्राफ में हमने जीरो उधर लिया है यहाँ से स्टार्ट किया है थ्री टू वन जीरो तो जैसे जैसे देखिए नाइट्रोजन परसेंटेज कम होती जा रही है देखिए ईल्ड बढ़ती जा रही है और शुगर केन में अगर जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री और ईल्ड देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ गई तो इसका मतलब कि अगर किसी क्रॉप को लें हम सोयाबीन को लें या वीट को लें अगर हम वीट का जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाएगा तो इसी तरह से पल्स में अगर ब्रीडिंग एफर्ट्स किए जाएँ कि ईल्ड बढ़ जाए तो प्रोटीन कंटेंट भी कम हो जाएगा ऐसा ये, ये बहुत मुश्किल है कि हम पल्स की ईल्ड भी बढ़ा दें और उसका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ा दें ऐसा बहुत मुश्किल है कि शुगर केन की ईल्ड भी बढ़ाएं और उसमें नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ाएं तो ये जीनोटिपिकली फिक्स्ड है ड्राई मैटर से रिलेटेड है कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का प्रोटीन बनने में जाएगा कितना ड्राई मैटर को एस्टिमलेशन में जाएगा ये जीनोटिपिकली फिक्स्ड होता है और ये बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस लॉ को समझने के लिए तो इस लॉ का प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये है कि अगर हम किसी क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी लेवल को हाई करना चाहते हैं तो उसका एफर्ट्स ना किया जाए उस पर कि उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़े या नाइट्रोजन कंटेंट बढ़े ओबियसली उसमें जो है नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये दोनों लेवल एक साथ नहीं बढ़ाए जा सकते हालांकि रिसर्च तो बहुत एडवांस हो रही है तो दोनों भी बढ़ाए जा है सकते हैं आगे रिसर्च में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन जो इस लॉ में हम जो देखते हैं या नेचुरल सिस्टम में हम जो देखते हैं पल्स सीरियल शुगर क्रॉप का उसमें बिल्कुल ये लॉ बिल्कुल नज़र आता है कि नाइट्रोजन कंटेंट कम है तो उनका प्रोडक्टिविटी क्या है हाई है तो इस ग्राफ को समझिए कि, कि किस तरह से देखिए नाइट्रोजन कंटेंट कम होता जा रहा है और ईल्ड बढ़ती जा रही है तो इसी तरह से अगर शुगर के इनके हम ईल्ड बढ़ाना चाहते हैं तो उसका नाइट्रोजन कंटेंट अपने आप ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये लॉ है इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन लॉ जो विलकॉक्स ने दिया और उन्होंने बहुत अच्छा ये लॉ बताया था लेकिन कुछ कंसिड्रेशन्स हैं और उन कंसिड्रेशन को फ़ॉलो ना किया जाए तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है इस लॉ की एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब हमें पता चल गया है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हमें किसी की ईल्ड बढ़ानी है ड्राई मैटर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट अपने आप क्या हो बजाय कम हो जाएगा उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के एफर्ट्स ना किए जाएं अभी फिलहाल जितनी रिसर्च अभी तक है ऐसा बहुत मुश्किल है कि प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाए और ईल्ड भी बढ़ जाए बढ़ जाएगा अगर वो अपने फुल जेनेटिक पोटेंशियल पर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने को एग्जाम्पता है जीरो से फिफ्टी गए फिफ्टी से हंड्रेड गए तो ईल्ड भी बढ़ी नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ा नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा तो ऑब्वियसली प्रोटीन भी बढ़ी जब क्रॉप्स अपने फुल जेनेटिक पोटेंशियल पे हैं पर अल्टीमेट यील्ड पे हैं तो प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने पे उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा डेफिनेटली uh, उसमें प्रोटीन भी क्या होगी कम होगी तो ये इन्वर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ था जो विलकॉक्स ने दिया और जिसको आज हमने अच्छी तरह से समझा ये क्या है और इसको हम कैसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं तो इसका बहुत अच्छा यूज़ किस में किया सकता है ब्रीडिंग में किया जा सकता है वैरायटी uh, डेवलप करने में विद हाई प्रोडक्टिविटी की हमें वैरायटी डेवलप करनी है तो उसमें एफर्ट्स ना किए जाएं कि नाइट्रोजन कंटेंट बढ़े नाइट्रोजन एब्जॉर्शन तो बढ़ेगा नो डाउट नाइट्रोजन एब्जॉर्शन बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा ऐसी वैरायटी डेवलप करें जो नाइट्रोजन का अपटेक करें तो ड्राई मैटर बढ़ेगा और ड्राई मैटर बढ़ने से इंटर नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा इस बात को समझे कि नाइट्रोजन कंटेंट इसलिए कम नहीं हो रहा है कि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है नाइट्रोजन का कंटेंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ड्राई मैटर ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जब नाइट्रोजन कंटेंट हम निकालते हैं तो ड्राई मैटर के कंसिडर करके निकालते हैं तो इस बात को कंफ्यूज ना हो कि नाइट्रोजन कंटेंट इसलिए कम हो रहा है कि नाइट्रोजन अपटेक कम हो रहा है नहीं ऐसा नहीं है नाइट्रोजन कंटेंट तो बढ़ता है लेकिन अपटेक तो बढ़ता है लेकिन चूंकि ड्राई मैटर बहुत ज़्यादा हो गया प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो परसेंटेज कम हो जाती है इसको आप डायलूशन इफेक्ट से बहुत अच्छा समझ सकते हैं तो लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा इसको लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच